हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में। मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या है? ये कुछ जैसे सरचार्ज लग रहा है, तो सरचार्ज लगने से जो टैक्स है वो क्या आ जाता है, ज़्यादा निकल के आता है, तो उसके लिए क्या मिलती है, गवर्नमेंट हमें कुछ रिलीफ देती है, जिसे क्या बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये किसको मिलती है मार्जिनल रिलीफ? ऑल SSC को, जो भी SSC है, मतलब इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, पार्टनरशिप, ठीक है, सभी को मिलेगी। तो मार्जिनल रिलीफ किसको मिलेगी? सभी SSC को। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट कब लगेगा? अब बात करते हैं कब लगेगा। जब जैसे इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल में सरचार्ज कब लगता था? लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि सरचार्ज और टैक्स रेट के बारे में। तो सरचार्ज कब लगता था? 50 लाख से अबोव, तो कितना लगता था? 10%, ठीक है। ऐसे ही डोमेस्टिक कंपनी है, उस पर सरचार्ज कब लगता था? 1 करोड़ से ज़्यादा है तो कितना लगता था? 7%। कितना लगता था? 7% सरचार्ज लगता था। तो उस केस में क्या है कि सरचार्ज लगने से, जैसे हमारी इनकम 1 करोड़ 1 लाख हो गई, जैसे डोमेस्टिक कंपनी है कोई, उसकी इनकम क्या हुई? 1 करोड़ 1 लाख। तो उससे क्या हुई, 1 करोड़ पे सरचार्ज लगता है? 1 करोड़ तक तो नहीं होती, 1 करोड़ तक ही होती तो क्या लगता, नॉर्मल टैक्स, सरचार्ज नहीं पे करना पड़ता। तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया हमने, तो उसके कारण हमें सरचार्ज लग रहा है। तो सरचार्ज लगने के कारण जो टैक्स ज़्यादा आ रहा है, मतलब इनकम हुई है हमें 1 लाख और उससे भी ज़्यादा टैक्स आ गया सरचार्ज लगने के कारण, तो उससे क्या मिलेगा? गवर्नमेंट क्या बोलेगी? भाई, जो तुम्हें इनकम हुई है 1 लाख रुपए, उससे ज़्यादा हम टैक्स नहीं लेंगे। तो जो डिफरेंस है, जो टैक्स आया और जो इनकम हुई, उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसे ही क्या बोलते हैं हम मार्जिनल रिलीफ। क्या बोलेंगे? मार्जिनल रिलीफ। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे क्या आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो समझ नहीं आया होगा इतना। क्या है कि हम लेते हैं एक डोमेस्टिक कंपनी है, जिसकी टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम क्या है, 1 करोड़ 1 लाख, और डोमेस्टिक कंपनी में क्या होती है, टैक्स रेट 30%, ठीक है, 30%, ठीक है। तो 30% है और कितनी है, 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है सरचार्ज की, जो थी सरचार्ज लगता था उससे थोड़ी ज़्यादा, लिटिल बिट हायर है इनकम। तो क्या अब देखते हैं, इसमें मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं। पहले हम नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करेंगे, 1 करोड़ 1 लाख पे 30% कितना हो गया, 30 लाख, 30,000। फिर उस पर सरचार्ज लगेगा, क्यों, 1 करोड़ से एक्सीड कर गई इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम हमारी क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है किसको, 1 करोड़ को। तो सरचार्ज किस पे लगेगा, टैक्स पे, कितना, 30 लाख, 30,000 पे 7% सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा सरचार्ज का अमाउंट, 2,12,100, ठीक है, 2,12,100, 12,100, ठीक है, 2,12,100। तो टोटल क्या हो गया, 32,42,100, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लिया हमने, जैसे करते ही हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे कि मैक्सिमम टैक्स कितना लगेगा। एक तो अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं होती तो हम कितने पे टैक्स पे करते, 1 करोड़ पे, तो सरचार्ज पे नहीं करना पड़ता। तो 1 करोड़ पे कितना होता टैक्स, 30% से 30 लाख होता, ठीक है। और क्या लेना है हमें, डिफरेंस नेट टैक्सेबल इनकम और 1 करोड़। नेट टैक्सेबल इनकम क्या है हमारी, 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है, तो और 1 करोड़, तो कितना डिफरेंस आ गया, 1 करोड़, क्यों, जो लिटिल बिट ज़्यादा है, मतलब थोड़ी ज़्यादा कमाई है हमने सरचार्ज की लिमिट से, जहाँ से सरचार्ज स्टार्ट होता उससे थोड़ा ज़्यादा कमाया, उतना अमाउंट लिया। तो ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया ये देख भी सकते हो, ठीक है। तो कितना हो गया ये मैक्सिमम टैक्स, कितना हो गया, 30 लाख प्लस 1 लाख, मतलब 31 लाख, ठीक है, 31 लाख। तो और नॉर्मल कितना आया था, 32,42,100, अगर सरचार्ज नहीं होता तो कितने देते हम, 30 लाख दे रहे थे 1 करोड़ पे, और 1 करोड़ पे तो 1 लाख रुपए की इनकम कमाई, और जिसके कारण हमें कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ गया, ठीक है, 2,42,100, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टैक्स
टैक्स लग गया हमें 1 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए, तो ऐसे तो कोई सोचेगा हम ये इनकम ही नहीं कमाते 1 लाख रुपए की, जिससे इतना ज़्यादा टैक्स बर्डन आ गया। तो मार्जिनल रिलीफ क्या मिलेगी हमें, इतना मैक्सिमम पे कर सकते थे 1 करोड़, और नेट टैक्सेबल इनकम -1 करोड़ पे जो टैक्स आया, ठीक है, 31 लाख और 42,100 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1,42,100, ठीक है। देख सकते हो एक बार आप फिर से कि कैसे कैसे आया, ठीक है। तो इसी और फिर जो अब क्या लेंगे, टैक्स कितना आया, 31 लाख, इस पर क्या लगेगा हमारा सेस, एजुकेशन सेस कितना आता है, 3%, 3% कितना आएगा, 93,000। तो टैक्स पेबल क्या आ गया, 91,93,000, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, ठीक है, ओके।